खरीफ सीजन 2022 पर जलवायु परिवर्तन भारी पड़ा है। मसलन मानसून की बेरुखी की वजह से पहले खरीफ सीजन पर सूखे की मार पड़ी थी और इस वजह से कई राज्यों पर धान की खेती प्रभावित हुई, जिसके तहत धान की खेती के रकबे में कमी दर्ज की गई। अब जब खरीफ सीजन की फसलें खेतों में पककर तैयार हैं तो उसमें भारी बारिश की मार पड़ी है। इस वजह से कई राज्यों में किसानों की फसलें खेतों में ही खराब होने की स्थिति आ रही है। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बेमौसम बारिश को कृषि वैज्ञानिक भी फसलों के लिए खराब मान रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों की फसलें बारिश से खराब नहीं हुई हैं, उनकी फसलों के लिए भी यह बारिश खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल खरीफ सीजन के दौरान जिन क्षेत्रों में मॉनसून की बेरुखी दर्ज की गई है, उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। मसलन मॉनसून सीजन में कम बारिश होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सूखे का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीते दिनों यूपी के 80% से अधिक जिलों में बेमौसम बारिश ने कहर ढाया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यूपी 75 में से 67 जिलों में पिछले सप्ताह अधिक बारिश दर्ज कर चुका है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी फसल बीमा के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेश के किसानों को चिंता में डाल दिया है। बारिश की वजह से हो रहे नुकसान का आलम ऐसा है कि खेतों में पानी भर गया और इस वजह से कई फसलें खराब हो गई, जिसमें खेतों में खड़ी धान की फसल के साथ मक्का, आलू, बाजरा, दलहन और तिलहन की फसलें शामिल हैं। भारी बारिश की वजह से धान समेत कई फसलों के खेतों में पानी भर गया, तो वहीं कई किसानों की धान की फसलें भारी बारिश की वजह से झुक गई, जबकि जिन किसानों ने कटाई के बाद अपनी फसलें खेत में छोड़ी थी वो भी भीग गई। कृषि वैज्ञानिक स्थिति को बेहतर नहीं मान रहे। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से जिन किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उनका तो नुकसान तय है, लेकिन जिन किसानों की फसलें आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं, उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश की वजह से फसलों में नमी बढ़ सकती है। ऐसे में फसल बेचते वक्त किसानों को बेहतर दाम नहीं मिलेंगे। मंडियों में 17% तक नमी वाले धान को ही MSP मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।